दिखा रही मुझे सज गया। आप नहीं लगाएं क्या चाची? लाइए लगा दो। दिखाओ चाची अपना। मेरा अच्छा लग रहा है। सजा ली, पानी चुहा बह गया है ऊपर से छुप गया है। ये ले डिजाइनर। हां रखो ये डिजाइनर। हमारा अंग्रेजी छुपती है कहां धरती। तो गाइस यहाँ पर मेरा, मम्मी का और अंजू का, भाभी का, सबका पाँव है जो रंग से सजा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, सजा ही नहीं है तो कहाँ से लाए। चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पहनने की ना चाची। लगाओ पकड़ लेगा। अरे बाप ए बेटू, ये क्या करवा रहे हो बाबू? मम्मी क्या बना रही है? बन गई है ना, बन गई है, एक लोगों की बन गई है। ये देखिए है ना, कपड़े से बनाई है ना। अब उसको साड़ी पहना रहे हैं। ये देखिए साड़ी पहना रही ना। बच्चा है, एक आदमी बच्चा है, एक मम्मी, एक पापा है। अच्छा मतलब हस्बैंड ये है ना आदमी? ये हस्बैंड नहीं है। हाँ, 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 वो औरत थी। और ये है पत्नी और ये है उनका बच्चा। आदमी का है, आदमी है। अच्छा औरत लंबी कर दी, आदमी लंबा छोटा है, ये गुड़िया है, ये औरत है, क्या ये आदमी हमारी बच्चा भी छोटा तो वो तो रहेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं इसको पीटने के लिए। पहली बार, पहली गुड़िया है मेरी। तो गाइस यहाँ पर ये जो गुड़िया पीटी जाती है तो वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। ये मैं फर्स्ट बार देखी हूँ, इससे पहले मैं नहीं देखी थी वरना मैं ना आती। साथ ही साथ आप लोग इससे पहले बोलो कि दी आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रखा। तो डियर यहाँ पर ये सारे लोग ऐसा कुछ नहीं वो करते हैं क्योंकि ये ग्रीन जोन में आता है। ऐसा नहीं कि मानते नहीं मानते हैं। और अभी कुछ लोग हो सकता बोलेंगे कि आप दी बोल सकते तो डियर, जब हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते हैं तो फिर अपना मैं अपना मुँह कहाँ से बहुएँ खोल सकती हैं, है ना। अब गाँव की परंपरा तो जानते ही हो। तो बस इसी वजह से, और मैं दूर रिकॉर्डिंग आपके जीजू ने की थी, काफ़ी दूर से की है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और ये मत बोलिएगा कि दी आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया। हमने काफ़ी अच्छे से निभाया है, लेकिन जो लोगों ने किया है तो हम उन्हें तो नहीं रोक सकते हैं ना। और मैं चाहती तो मैं ये सारी क्लिप आप लोगों के साथ ना शेयर करती, लेकिन जो है जैसा आप लोगों के सामने है इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए चारों तरफ से लोगों ने घेरा बना लिया और जो जितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर गुड़िया फेंकेंगी। गुड़िया फेंकने के बाद ये लोग पीटना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मैं देख चुकी, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट बार है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था इस तरीके से। और गुड़िया पीटने के बाद ये लोग खेत से मिट्टी लाके इस तरीके का गोला बना ली हैं और यहाँ पे शादी होगी, दो लोगों को गोल गोल घुमाया जाएगा। मैंने इन लोगों से पूछा किसी से कि मिट्टी लाने के बाद घर चलोगे, तो किसी ने मेरे से बोला हाँ मैं जाने लगी। फिर मेरी एक सास लगी, चचिया सास, उन्होंने बोला कि नहीं अभी शादी होगी चलो देखो, क्योंकि मैं दूर पे थी तो मैं जाने लगी। फिर मैं आई तो फिर मैं थोड़ा सा देखी, फिर मैं चली गई। और इसके बाद का जो भी कुछ होता है वो मैं आप लोगों से, मम्मी से सुनवा दूँगी, आप लोग खुद सुन लीजिएगा। ठीक है,
जाओ। अच्छा इसी में बोएंगे फिर खेत में बोएंगे? खेत में नहीं बोई, इतनी इतनी हो जाती हैं, फिर नवाए रोज धारी जाती हैं, एक जगह ढोलक बाजी। अच्छा। फिर दूसरे दिन इनका जैसे महारानी से रावत जाती हैं, वो कर रही था, फिर इनका लाइके सब लड़कियां जाती हैं गावत बजावत। चलोगे? चलोगे चाची? तुमको गर्मी लग रही है? अभी तक इधर उधर घूम रहे थे तो तुमको कहीं सो रहे थे? लाओ जल्दी बैग। जोहत यार, बहुत ज्यादा गर्मी। हाथ धो। ला दो हमको पंखा। लाल पकड़े लाइट भी नहीं है, लाइट जलाएं तो देखे रख के सामान। ये क्या है दादी? रख रहे हैं कजलिया। कजलिया बाबू कहाँ है? बाहर बैठी है। ए बेटू चलोगे घर? चलोगे आ? क्या ए हीरो? ए बाबू सो गई। सब हम लोग जा रहे हैं, कोरोना आ रहा है। कोरोना आ रहा है, छोड़ के जा रही हमारी मम्मा। चले है ना? अरे काल सब्जी की पानी चाची। अरे काल भाजिया बाहर ला यहाँ इतने पूरी आ बैठ जाओ ना, मकाया पानी मकाई दो। बुला रहे हैं रुक जाए यार, ये तो पानी नहीं यार कहे मत। ये सारा दिन है ये काले नाले में खोते रहे सुबेरे पहाड़ जो सब दिन दे रहे हैं। अरे नहीं, अरे अरे अबे उनका पुत्र धारी होगा। टिफिन नहीं है क्या? एक तो जो अमेरिकन में एडमिट है उनको टिफिन में खाना गया था, दिए ना वो लोग टिफिन। किसको? जो कोई अमेरिकन में एडमिट हुआ है, अपने गांव का नहीं था वो, स्वरूप रानी में भर्ती था तो खाना वही से हम दिए। मौका नहीं मालूम, दो टिफिन गए, पता नहीं कौन भर्ती रहा, हमको पता ही नहीं आया। खिलाया बाहर बाहर खिला खिला पहला नीचे कर दो और बताई दो। अरे चल मैं का बताऊं यार, अभी अभी हम लोग घर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं कितना बज रहा है। और बाबू लोग आ रहे हैं, पीछे हैं, मुझे उल्टी आ रही थी इसलिए मैं आ गई हूँ जल्दी से, तो आपको तो पता है मेरी कंडीशन। चलिए अभी बज गए हैं 6:30 और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है? सो गाइस अभी कितने बज चुके हैं, 6 क्या लगाया, और आते ही मैं किचन में लग गई। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने प्याज डाला और टमाटर डाला, ये देखिए मेरे चेहरे से आपको थकावट पता चल गई होगी। ये और सब्जी आलू काटी है, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, जस्ट प्याज डाली हूँ
और टमाटर डाल दी हूँ, उसके बाद आलू डाल के पका लूंगी, क्योंकि मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं, जब बाबू के लिए निकाल दूंगी फिर मिर्ची मसाला डालूंगी। और बाबू लगी हुई है फोन में, अभी आपको दिखाती हूँ, वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी मौसी से। ये देखी मेरी साड़ी ये पड़ी हुई है, क्योंकि साड़ी का इतना ज्यादा देर नहीं ले सकती हूँ। बाबू नहीं निकालो साड़ी, कभी बात देख रहे हैं ना, बाबू लगी वीडियो कॉलिंग में और इनके अंधेरा है यहाँ पर बाथरूम दिखा। रात हो चुकी है, रात हो चुकी है, सब साफ सफाई में लगे अपने अपने ड्यूटी में, है ना। हम किचन में लग गए, मेरी ड्यूटी लग गई किचन में, हस्बैंड जी की ड्यूटी लग गई पोछा लगाने में। पोछा मैं लगाती हूँ, पानी ये मतलब ये क्या करते हैं। चलो तुम्हें पोछ यार, पैर से बहुत थकी लगी है, आप जाओ और आओ, उसी में थकावट लग जाती है। तो गाइस सभी रात के बज रहे हैं कितने आप बताइए, 8:30 और हमें लग गई है भूख। ये गए थे बाहर, इनको मैंने जल्दी से बुलाया है और ये देखिए खाना मैंने फटाक से बनाया है। सब्जी जो मैंने आपको दिखाई थी आलू की, और ये खीर बनाई है, पूड़ी आई है गांव से, पूड़ी नहीं बनाई मैंने, और ये है चावल। तो फटाफट से हम खा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये लगे साफ सफाई में, जो सारा सामान बाबू फेंकी है ना उसी को उठा रही, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ अपना खाना, ठीक है। और जल्दी से यार भूख लगी है, चलिए दिखाती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। तो गाइस ये देखिए ये हमारी आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं फिर आराम से मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 11, तो मैंने कहा फाइनली अब ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मुझे थोड़ी सी अपनी स्किन रूटीन फॉलो करनी है, तो बस ब्लॉगिंग का एंड यही ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को ब्लॉग में और क्या देखना है नया तड़का वाला, तड़का लगा के, तो वो भी कमेंट कीजिएगा, वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।